हेलो एवरीवन, गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? कल के लिए मैंने ये ब्लॉग आज से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल भी मेरा सारा दिन बिजी ही जाएगा। कल भी मंगलवार है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो कल फिर मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना है। तो आज मंडे है, आज मैं यहाँ बना रही हूँ हरी पालक का साग मसालेदार, जिसे मैं आज थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा फीवर की वजह से मुंह का टेस्ट भी बिगड़ा हुआ है। और आज मैंने सोचा कि ये ताज़ा ताज़ा हरा पालक आया है, तो मैं थोड़ा इसे स्पाइसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया है, और फिर उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च, हींग और मेथी डाल दिया है, और फिर इसमें थोड़ा महीन चॉप किया हुआ प्याज काटूंगी। प्याज मेरा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मैंने इसे वेजिटेबल चॉपर में कस कर लिया था। और अब मैं यहाँ डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसी के आसपास मुझे डालना है अब प्याज का भी थोड़ा सा पेस्ट। ये मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट थोड़ा बना के इसलिए रख लिया है, क्योंकि फिर कल मंगलवार है, कल मुझे 8 बजे ही डॉक्टर के वहाँ जाना है। इस वजह से मैंने ये थोड़ी तैयारियाँ कर ली हैं, जिससे मैं बच्चों का लंच वगैरह तैयार कर सकूँ। तो ये मैंने दाल में तड़का लगा लिया है, मेरा तड़का भी तैयार हो गया है। अब मैं दाल में छौंक लगा दूँगी। तो अब ये देखिए कि मेरा ये प्याज हल ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच डालूंगी प्याज का पेस्ट, और 1 चम्मच के आसपास मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैं इसे थोड़ी देर तक भूनूंगी, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा हल्दी, और फिर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं मिलाऊंगी इसमें घर का ही बना हुआ गरम मसाला, और इसे मैं थोड़ी देर हिलाते हुए भून लूँगी। और मेरा मसाला तकरीबन आप देख रहे हैं कि भून के तैयार ही हो चुका है, बस 1 या 2 सेकंड मैं इन्हें और भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें अपने आलू और टमाटर सब डाल दूंगी। तो फिर पहले मैंने यहाँ टमाटर डाला है, टमाटर चूँकि मेरा कच्चा है, मैंने इसे प्यूरी नहीं बनाया है, चॉपर में ही कस किया है। तो ये देखिए मेरा टमाटर भी भून के लगभग तैयार हो गया है। अब साग डालने से पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू हम उतना ही छोटा या बड़ा पीस काटेंगे कि जो मतलब कि मेरे साग के पानी से ही आलू हमारा पूरा गल जाए, मुझे अलग से पानी नहीं मिलाना है। और मेरे साग में मैं थोड़ा सा पानी रखती हूँ, पूरा पानी मैं जलाती नहीं। तो ये मेरा हरी पालकी का साग है, मैं अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। पहले मैंने कम तकरीबन 5 मिनट तक आलू को भून लिया है, और फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं साग को इसमें ऐड करती जाऊंगी। एक्चुअली में साग बहुत हल्का होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होता है वैसे वैसे गलता जाता है। तो मेरी इतनी बड़ी कढ़ाई में हो जाएगा, ये देखिए पूरा सारा साग में हमने यहाँ डाल दिया है। अब बस अब मुझे रोटियाँ ही बनानी है, बच्चे हमारे स्कूल और कोचिंग जा चुके हैं, तो बस हस्बैंड को ही नाश्ता मुझे कराना है। तो मैं मेरा यह सब्जी छौंक के तैयार हो गया है, तो आइए हम साथ साथ रोटियां भी बना लेते हैं। वैसे पहले भी आपने मुझे रोटियां बनाते हुए देखा ही होगा, तो आप भी सोचे होंगे कि आज फिर मैं रोटियां बना रही हूँ, तो क्या करूँ। ये तो हम लेडीजों का पहला काम है कि घर के और घर में किचन का काम वो तो हमें पहले ही करना है सो के उठते ही। और अगर शायद रात ना हो तो शायद हम लोगों को किचन से छुट्टी भी ना मिले। तो ये हमारी एक एक करके रोटियां लगभग तैयार हो गई हैं, और तकरीबन मेरा साग भी तैयार ही हो चला है। तो मैं रोटियां बनाने के बाद बनाऊंगी आंवले की हरी चटनी, तो आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आंवले की चटनी थोड़ा अलग किस्म से बना रही हूँ, और चैलेंज करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ लगभग मेरा सब्जी तैयार हो गया है, और इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, तो मैं उसे जलाऊंगी नहीं पानी को। और थोड़े से आलू और साग को मैं ये पोटैटो मैशर के हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, जिससे आलू और साग मेरा एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो अब मेरा इस स्टेज पे सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और लगभग मेरी सारी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो ये देखिए मेरा सब्जी बिल्कुल हरी हरी पत्तेदार मसालेदार चटपटी सब्जियां तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड, हमारी रोटियां हो चुकी हैं, तो अब चलिए हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आप सोचेंगे कि आंवले की चटनी में हाजमे वाली क्या बात हुई, तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि आज आंवले की चटनी, आंवला वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और हमारे बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा है। तो यहाँ हमने लिए हैं 4 से 5 आंवले, और 2 इंच के बराबर हमारा है कच्चा नारियल,
और थोड़ा सा अदरक 1 इंच के बराबर, और 1 फूल हमने लिया है लहसुन, और थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्च मैं इसमें कम लूँगी जिससे कि ये ज़्यादा तीखा ना बने। और 1 चम्मच है मेरा जीरा, 1 चम्मच सादा नमक, और 1/2 चम्मच हमारा है काला नमक। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह हाजमे वाली चटनी कैसी हुई। तो मैंने 1 घंटे पहले नारियल को पानी में भिगो दिया था, हमारा नारियल खूब अच्छे से भीग गया है। एक्चुअली मैं नारियल पीसने से पहले हम इसे अगर पानी में भिगो देंगे तो इसे मिक्सी में पीसना बहुत ईजी हो जाएगा और ये बहुत महीन पेस्ट बन के तैयार होगा। अब हम साथ में आंवला डालेंगे और बाकी सामान भी एक एक करके हम इसमें मिला देंगे और मिला के चटनी को पीस लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को, इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर इसके बाद इस चटनी को चाहे आप इडली से, ढोकले से, या तो अप्पा के साथ, या तो फिर किसी पकौड़ी या आलू के परेठे वगैरह के साथ खाइए, क्योंकि इस रेसिपी तो लगभग सभी को पसंद आता है और सभी बनाते हैं। तो ये एक चटनी आपके मूड को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। तो मेरा चटनी ये देखिए लगभग बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं तो कहूँगी कि बन गया है, तो फिर आप भी आइए थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। देखिए इसका कलर भी लाइट ग्रीन कलर है, कितना खूबसूरत कलर है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, चलती हूँ मैं अब बाकी काम करने के लिए, अब कल की तैयारी अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।